नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर इस वीडियो में बी ए पार्ट फर्स्ट के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए सेशन 2023-24 में एग्जाम में किस प्रकार का सिलेबस क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में जानकारी दी गई है आप सबको पता है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने इसी वर्ष के लिए बी फर्स्ट ईयर में रेगुलर स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है तो जिन विद्यार्थियों के भी इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें मैं डायरेक्टली इंग्लिश टीचिंग से जुड़ा हुआ नहीं हूँ पर कुछ स्टूडेंट जिनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश लिटरेचर है उनकी रिक्वेस्ट पर यह वीडियो मैंने बनाया है इसमें मैंने केवल सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस को शामिल किया है अगर मैं सेमेस्टर सेकेंड के सिलेबस को भी शामिल करता तो वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाता जिसकी मैंने कोशिश की है कि मैं सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों में जो भी सिलेबस और पेपर का पैटर्न है उसके बारे में आपको जानकारी दे सकूं। सिलेबस और स्कीम इस वीडियो में डिस्कस की गई है पेपर पैटर्न भी इसमें डिस्कस किया गया है तो एम की जो भी लेटेस्ट जानकारी है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया गया है अगर यूनिवर्सिटी इसमें बाद में कोई अपडेट करती है विद्यार्थी खुद उसका ध्यान रखें एक सेमेस्टर में दो पेपर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड जिसमें टोटल मार्क्स हैं वो हर पेपर के सेवेंटी फाइव होंगे जिसमें से पंद्रह पंद्रह मार्क्स के यानी थर्टी मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होंगे जो कॉलेज लेवल पर या आपके इंस्टीट्यूट लेवल पर या टीचर द्वारा दिए जाएंगे साठ साठ अंक की आपकी एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगी तो प्रत्येक में साठ और पंद्रह के कॉम्बिनेशन के साथ सेवेंटी फाइव मार्क्स का पेपर होगा दोनों पेपर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मार्क्स के होंगे प्रत्येक पेपर तीन क्रेडिट का होगा जिसमें से दो पॉइंट पाँच आपके लेक्चर में इंक्लूड किया जाएगा और जीरो पॉइंट फाइव वो ट्यूटोरियल में और इसमें जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा वो है थर्टी सिक्स परसेंट जनरली आपका जो पेपर फर्स्ट होगा उसको एक कोर्स कहें या पेपर कहें एक ही बात है एक सेमेस्टर में दो पेपर होंगे एक सेमेस्टर का मतलब है सिक्स मंथ्स सिक्स मंथ्स में आपके एक सब्जेक्ट में दो पेपर होंगे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। फिर अगले सेमेस्टर में फिर से सिक्स मंथ जो होंगे यानी सेकेंड सेमेस्टर में उसमें भी उस सब्जेक्ट के फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर होंगे तो इस वीडियो में केवल पहले सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के सिलेबस के बारे में चर्चा की गई है सेमेस्टर फर्स्ट जिसके पेपर फर्स्ट का नाम है रिलेसेंस टू कॉमनवेल्थ और इसमें 1550 से लेकर 1660 तक को इंक्लूड किया गया है इसकी यूनिट फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन टू द एज इलिजबीथन टू जैकोबियन पीरियड जो है उसके बारे में बताया गया है पंद्रह से सोलह तक इसके आगे का जो पार्ट है वो पेपर सेकेंड में इंक्लूड किया गया है यूनिट फर्स्ट में ही इंट्रोड्यूसिंग पवेट्री फॉर्म्स ऑफ पोट्री सॉनिट और लिरिक को इंक्लूड किया गया है वहीं लिटरेरी टर्म्स में हाइपाबली कंसीट एलिट्रेशन सिमिली एंड मेटफर को इंक्लूड किया गया है यूनिट सेकेंड में आप देखेंगे एडमंड स्पेंसर की रचना वन डे आई रोट हर नेम एंड वाइट में माई ल्यूट अवेक एंड सरी द मीन्स टू अटेन ए हैप्पी लाइफ यूनिट सेकेंड में इनको इंक्लूड किया गया है यूनिट थर्ड में क्रिस्टफर मालो द फेस दैट लॉन्स द थाउजेंड सिप्स और जोन डन की बेटर माई हाथ एंड गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जैसी पोएम्स को इंक्लूड किया गया है यूनिट में द गार्डन जोज हर्बर्ट की द पुली एंड वर्च्यू इन पोएम्स को इंक्लूड किया गया है यूनिट फाइव जो आपकी फर्स्ट पेपर की लास्ट यूनिट है उसमें ड्रामा में कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स एंड ट्रेजिडी और ट्रेजिडी के ही एग्जाम्पल के रूप में शेक्सपियर के मकबेत को इंक्लूड किया गया है तो एक पेपर जो कि आपका पाँच यूनिट्स में डिवाइड होगा ये आपका फर्स्ट पेपर होगा रेनेसंस टू कॉमनवेल्थ 1550 से लेकर 1660 तक का पेपर फर्स्ट में इंक्लूड किया गया है सेमेस्टर फर्स्ट का जो दूसरा पेपर है इसका नाम भी रेनेसेंस टू कॉमनवेल्थ 1550 फिफ्टी टू सिक्सटीन उसकी यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू द एज में कैरलाइन टू कॉमनवेल्थ पीरियड जो फर्स्ट पेपर में सोलह सौ पच्चीस तक था उससे आगे का है इसमें और इसमें गौथिक लिटरेचर बराव लिटरेचर अभंगा पोइट्री एंड ब्लैंक वर्स फर्स्ट यूनिट में इनको सम्मिलित किया गया है सेकेंड यूनिट में इंट्रोड्यूसिंग रिलेसन्स उसमें बेकन के दो ऐसे ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रेवल को इंक्लूड किया गया है यूनिट थर्ड में प्योरिटनिज्म उसमें जॉन मिल्टन की ऑन हीज ब्लाइंडनेस ऑन द लेट मैसेक इन पीडमेंट इनको इंक्लूड किया गया है यूनिट फोर में इंट्रोड्यूसिंग ऐसे ऐसे की डेफिनेशन टाइप्स डेवलपमेंट और मॉन्टेन के ऑफ फ्रेंडशिप को शामिल किया गया है यूनिट फाइव जो है उसमें वॉइस फ्राम इंडिया इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है अभंग पोइट्री को और डिवोशनल पोइट्री को इसमें मीरा के सॉन्ग्स मई मैंने गोविंद लेनो मोल हरी तुम हरव जन के पीर और तुकाराम की पोइम्स को इंक्लूड किया गया है तुकाराम जी जिनका संबंध अभंग पोइट्री से रहा है सेक्शन वन ऑटोबायोग्राफी थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड उसमें ये जितने भी आपके कपलेट्स वगैरह दिए हुए हैं उतने ही इंक्लूड किए गए हैं और वही आपको पढ़ने हैं तुलसीदास जी के रामचरित मानस किसकिंदा कांड के कपलेट को कपलेट फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इनको आपको पढ़ना है तो ये आपके दो पेपर का सिलेबस है अब बात करते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होगा तो सेमेस्टर फर्स्ट में आपके इंग्लिश लिटरेचर के दो पेपर होंगे दोनों पेपर कुल मिलाकर छः क्रेडिट के होंगे प्रत्येक पेपर तीन क्रेडिट का होगा आपके पेपर का जो कोड होगा उसको यहाँ पर लिखा गया है ई एन जी एल ये डिनोट करता है इंग्लिश को डी सी सी डिनोट करता है डिसिप्लिन कोर कोर्स को जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं स्पेसिफिक डिसिप्लिन के उनके लिए कोर कोर्स है टी स्टैंड्स फॉर थियरी और वन स्टेंड्स फॉर सेमेस्टर वन और ये जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकेंड है कि ये आपका कोर्स कोड है इस कोर्स कोड का टाइप जो है कोर्स का वो है कोर कोर्स थियरी का और पेपर फर्स्ट का डीसीसी डीसीसी दोनों ही आपके थियरी के पेपर हैं इनका जो टाइटल है वो है इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर सेकंड रिलेशन टू कॉमनवेल्थ रिलेशन्स टू कॉमनवेल्थ इसका जो लेवल है वो है फोर पॉइंट फाइव चूँकि एन एच ई क्यू एफ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बारहवीं तक लेवल चार कंप्लीट हो चुका होता है तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में लेवल चार पॉइंट पाँच रहेगा सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ में लेवल पाँच हो जाएगा और सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स में लेवल आपका पाँच पॉइंट पाँच हो जाएगा प्रत्येक पेपर सेवेंटी फाइव मार्क्स का होगा उसमें से साठ मार्क्स की आपकी ई ओ एस एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होगी और पंद्रह मार्क्स होंगे वो आपके दिए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट द्वारा यानी कॉलेज द्वारा या टीचर द्वारा और इसी प्रकार दूसरे पेपर में सेवेंटी फाइव मार्क्स का टोटल होगा सिक्सटी का एग्जाम होगा और फिफ्टीन मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में दिए जाएंगे टोटल इंग्लिश लिटरेचर के दो पेपर होंगे दोनों 150 मार्क्स के होंगे 120 की आपकी एग्जाम ली जाएगी और 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के जो भी कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा उसमें 2.5 तो आपको लेक्चर के माध्यम से 0.5 ट्यूटोरियल के माध्यम से ये क्रेडिट का डिवीजन है और एक सप्ताह में फर्स्ट पेपर के 3 घंटे और सेकंड पेपर के 3 घंटे यानी 6 दिन के 6 घंटे आपको इंग्लिश लिटरेचर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाएगा सेमिस्टर सेकेंड में सेम पैटर्न रहेगा आपके उसमें आपके आगे के जो सेमिस्टर सेकेंड में वो भी आपके सेम पैटर्न रहेगा तो उसकी जो स्कीम है वो सेम रहेगी उसमें इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड और ये आपके पेपर का नाम हो जाएगा रेस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल ये आपके पेपर की स्कीम है जो मैं डिटेल से बता देता हूँ देर विल बी टू पेपर्स इन ईच सेमेस्टर एक सेमेस्टर में दो पेपर होंगे प्रत्येक पेपर तीन घंटे की अवधि का होगा और 75 फाइव मार्क्स का होगा सेवेंटी फाइव मार्क्स में से साठ मार्क्स तो एक्सटर्नल एग्जाम का और फिफ्टीन मार्क्स होंगे वो इंटरनल इवेल्यूएशन का होगा जो तो आपका पेपर होगा उसमें तीन सेक्शंस होंगे सेक्शन ए सेक्शन बी और आपका सेक्शन सी तो इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं परीक्षा का जो पेपर होगा वो उसमें आपके तीन सेक्शन होंगे सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन ए में दस प्रश्न होंगे सेक्शन बी में दो भाग होंगे टू पार्ट होंगे पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट में तीन प्रश्न होंगे जिसमें से दो करने हैं पार्ट सेकंड में चार प्रश्न होंगे उनमें से तीन करने हैं और सेक्शन सी जो होगा उसमें चार प्रश्न होंगे कुल और उसमें से दो करने हैं इसको समझने के लिए आगे हम एक टेबल है उसको समझते हैं ये आपका प्रत्येक पेपर इस प्रकार होगा कि एक पेपर है वो सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी यानी तीन सेक्शंस में डिवाइड होगा ए सेक्शन में कोई पार्ट नहीं होगा बी सेक्शन में दो पार्ट होंगे पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड और सी सेक्शन में भी कोई पार्ट नहीं होगा तो इसमें ए सेक्शन में टोटल टेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे बी सेक्शन्स में से तीन प्रश्न होंगे पार्ट फर्स्ट में जिसमें से दो आपको करने हैं और पार्ट सेकंड में चार प्रश्न होंगे उसमें से आपको तीन करने हैं बी सेक्शन का जो पार्ट फर्स्ट होगा उसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दो करने हैं आपको और सी सेक्शन में चार में से दो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए प्रत्येक प्रश्न एक पॉइंट पाँच मार्क्स का होगा तो, तो टोटल दस क्वेश्चन होंगे तो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे पंद्रह और बी का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें आपको दो प्रश्न करने हैं प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा तो छः अंक का पार्ट फर्स्ट और जो पार्ट सेकंड होगा बी का उसमें आपको तीन प्रश्न करने हैं प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा तो ये आपके नौ अंक का हो जाएगा तो पार्ट बी सेक्शन बी आपके पंद्रह अंक का हो जाएगा पार्ट फर्स्ट छः अंक का और पार्ट सेकंड नौ अंक का सेक्शन सी जो होगा उसमें आपको दो प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न पंद्रह अंक का होगा तो ये तीस अंक का आपका सेक्शन सी हो जाएगा सेक्शन ए के लिए जो प्रश्न में उत्तर की शब्द सीमा होगी वो अधिकतम होगी पचास बी के पार्ट फर्स्ट में दो सौ शब्द अधिकतम और बी के पार्ट सेकंड में भी दो सौ शब्द होगी सेक्शन सी होगा उसके जो प्रश्न करने हैं उनके लिए उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा होगी वो पाँच सौ होगा इसमें सेक्शन ए जो होगा उसमें आपको चॉइस नहीं होगी दस में से दस प्रश्न ही करने हैं बी में पार्ट फर्स्ट में तीन में से दो तो यहाँ पर चॉइस है और पार्ट सेकंड में चार में से तीन तो यहाँ पर भी चॉइस है और सेक्शन सी में चार में से दो करने हैं तो यहाँ पर भी चॉइस है एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो टोटल आपके एक जो पेपर होगा वो साठ अंक का होगा और इंटरनल असेसमेंट या कंटिन्यूस असेसमेंट जो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या टीचर द्वारा जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपके फिफ्टीन अंक के होंगे तो इस प्रकार एक पेपर आपके टोटल सेवेंटी फाइव मार्क्स का होगा इसी प्रकार दूसरा पेपर आपके सेवेंटी फाइव मार्क्स का होगा तो दोनों पेपर मिला के वन हंड्रेड फिफ्टी के हो जाएंगे जिसमें से आपको सेपरेटली इंटरनल असेसमेंट में और थियरी वाले एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 36 परसेंट मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और आपके कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाने हैं इस बारे में और अधिक वीडियो आप चाहते हो तो अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उन पर वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं।